हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे मेजर लीग सोकर लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा हस्टन डिनामो और लॉस एंजलेस के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीम्स के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल पर। तो गाइस, हस्टन डिनामो मेजर लीग में फिलहाल के टाइम पर 14 पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें लॉस एंजलिस इस लीग की टॉप बेस्ट टीम है, अटैक से भी और डिफेंस से फर्स्ट पोजीशन पर है। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपने ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चले। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए लॉस एंजलिस को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये इस लीग की टॉप बेस्ट टीम है, अटैक से भी और डिफेंस से भी। तो इसीलिए इस मैच में लॉस एंजलिस फेवरेट टीम है। अब बात करें जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से। तो गाइस, इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट 6 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं। अभी तक हस्टन डिनामो इस टीम के सामने एक भी मैच विन नहीं की, बल्कि 3 मैच ड्रॉ खेले हैं और 3 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 1.3 गोल पर मैच स्कोर किए, लेकिन डिफेंस से 2.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, जब भी हस्टन डिनामो इस टीम के सामने मैच खेलती है तो प्रत्येक मैच में गोल तो स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस से एक मैच में इस टीम के सामने गोल कंसीड भी कर देती है। कहने का मतलब, बोथ टीम टू स्कोर ये मैच चला जाता है। अब बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, उस मैच को इन दोनों टीमों ने अटैकिंग ड्रॉ खेला। दोनों टीम ने उस मैच में एक एक गोल स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से भी गोल कंसीड किए। और उससे पिछले जितने भी मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए, या तो लॉस एंजलिस ने मैच को विन किया इस टीम के सामने, या मैच ड्रॉ खेला लेकिन लॉस नहीं किया। और प्रत्येक मैच में दोनों टीमों ने एक दूसरे के सामने गोल स्कोर भी किए हैं और डिफेंस से गोल कंसीड भी किए हैं। तो यहां से पता चलता है कि ये जब दोनों टीम आपस में खेलती है तो एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, एक बार हम उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस, हस्टन डिनामो करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, अभी तक एक भी मैच विन नहीं की, बल्कि एक मैच ड्रॉ खेला, 5 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 1 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 2.7 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए, अटैक एवरेज है, पर मैच में गोल स्कोर कर देता है, लेकिन डिफेंस काफ़ी डाउन है। प्रत्येक मैच में कम से कम 2, और कभी कभी तो अपने से बेहतर टीम सामने ये टीम पर मैच में 2, 3, 4, 5 गोल तक भी कंसीड कर देती है। अब बात करें जो पिछला मैच हस्टन डिनामो मिनेसोटा यूनाइटेड के सामने 2-1 से मैच को लॉस करके आ रही है, और उससे पिछले मुकाबले ये टीम अटैकिंग मैच को ड्रॉ खेली, और उससे पिछले मुकाबले ये टीम 3-2 से लॉस की, एक मैच 2-1 से लॉस किया, उससे पिछले मुकाबले 6-0 से लॉस किया, और उससे पिछले मुकाबले ये टीम 2-1 से लॉस की है। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो अटैक तो अच्छा है, प्रत्येक मैच में गोल स्कोर कर देता है, लेकिन डिफेंस काफ़ी डाउन देखने को मिलता है। तो गाइस, अब बात आती है लॉस एंजलिस का जो करंट फॉर्म उसके अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस, लॉस एंजलिस ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से इस टीम ने 3 मैच विन करे हैं और 3 ही मैच लॉस किए हैं। अटैक से 2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम तो 1, और कभी कभी तो टीम पर मैच में 2 या 3 गोल तक स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस भी इस टीम का कहने के पर मैच में गोल कंसीड कर देता है। अब बात करें जो पिछला मैच लॉस एंजलिस अस्टन एफसी के सामने 4-1 से मैच को लॉस करके आ रही है, और उससे पिछले मुकाबले ये टीम 2-1 से लॉस की है, और उससे पिछले 3 मैच इस टीम ने विन किए हैं। तीनों मैच में गोल स्कोर किया, लेकिन डिफेंस सिर्फ एक ही मैच में 1 गोल कंसीड किया। तो उन 3 मैच में इस टीम का अटैक भी शानदार था और डिफेंस भी शानदार था, और उससे मुकाबले क्लब अमेरिका के सामने डिफेंसिव मैच को ड्रॉ भी खेले। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली देखा जाए तो लॉस एंजलिस का अटैक काफ़ी शानदार है, और डिफेंस भी कहीं ना कहीं आपको बेहतर देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू हस्टन डिनामो। तो फाइनल गाइस, अब बात आती है कि अब इस मैच के स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों के पॉइंट टेबल पर नज़र डाली, फिर हमने हेड टू हेड मैचेस पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म पर भी नज़र डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लेंगे कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग तो हस्टन डिनामो की जो पोजीशन है वो काफ़ी डाउन है, और लॉस एंजलिस की पोजीशन काफ़ी बेहतरीन है। और हेड टू हेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हस्टन डिनामो अभी तक इस टीम के सामने एक भी मैच विन नहीं की, बल्कि यह मैच ड्रॉ खेली या मैच को लॉस की है, ओके। और रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हस्टन डिनामो का अटैक तो अच्छा, लेकिन डिफेंस काफ़ी डाउन है और गोल कंसीड कर देता है, मैच को लॉस कर जाती है। और लॉस एंजलिस का जो परफॉर्मेंस है, अटैक भी काफ़ी शानदार है और डिफेंस भी काफ़ी शानदार है। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों फॉर्मेट में एक फेवरेट टीम लॉस एंजलिस देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं इस टीम को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। तो फाइनल गाइज, अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज, मुझे लगता है कि इस मैच में हस्टन डिनामो एक गोल कर सकती है। क्यों? क्योंकि होम का एडवांटेज इस टीम के सामने, ओके। फिर लॉस एंजलिस
इस मैच में कम से कम तो दो गोल इस टीम सामने स्कोर कर ही देगी, तो इसलिए मैं अपना इस मैच की स्कोर लाइन प्रेडिक्शन रखता हूँ 1-2, और 1-2 का प्रेडिक्शन के अनुसार मैं अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करूँगा ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम सब उस पर नज़र डालते हैं हस्टन डिनामो के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नज़र डालेंगे लॉस एंजेलिस के टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नज़र डालते हैं सबसे पहले डिनामो के प्लेयर्स के बारे में। और दोस्त हाँ, अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो आपको लिए मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी लेट नाइट में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आप समझ सकते हो मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमें सपोर्ट करें। ओके, तो चलिए बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज की कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किया, तो नज़र डालते हैं सबसे पहले हस्टन डिनामो के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस हस्टन डिनामो की तरफ से सेलेक्टेड ही प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे इस मैच में, उन्हीं प्लेयर को ट्राई करना। सेबास्टियन फरेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 9 गोल कर चुका। फिर यहाँ से डार्विन क्वेंटेरा जो कि इस टीम तरफ से 7 गोल कर चुका। फाफा पिकोल्ट एक 5 गोल कर चुका है। तो यहाँ से ये टॉप तीन प्लेयर हैं, ये कंसिस्टेंट परफॉर्म में हैं, तो इनका गोल भी आ जाता है। तो इन तीन में से जो भी दो खेले उनको पिक करके जरूर चल लेना। ओके, बाकी प्लेयर्स हैं उनका इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा नहीं तो आप इनका रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टॉप तीन प्लेयर हैं, इनको आप टीम में ट्राई करके जरूर चल देना। ओके, अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट के बारे में देखा जाए तो यहाँ से एडम है जिसने 5 असिस्ट निकाले, सेबास्टियन फरेरा गोल असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है, मेमो रोड्रिगो जिसने 3 असिस्ट निकाले, डार्विन क्वेंटेरा जो कि गोल और असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट, फाफा पिकोल्ट है जो कि गोल और असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है। तो यहाँ से जी टॉप प्लेयर आपको फिर से देखने को मिलेंगे और इन्हीं प्लेयर को आप टीम में शामोली में ट्राई करके चल देना। ओके, तो अब बात आती है जो सेकंड टीम है उसके जो प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम नज़र डालते हैं लॉस एंजेलिस के टीम के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस लॉस एंजेलिस की तरफ से काफ़ी बेहतरीन प्लेयर आपको चिको अरांगो देखने को मिलेगा जिसने 13 गोल किए। रिसेंटली 2 मैच में इसका गोल नहीं आया लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है और आज के मैच में इसका गोल आ भी सकता है। दूसरी टीम का डिफेंस कमजोर है और ये एज ए अटैकर खेलेगा। ओके, कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हो। कार्लोस विला बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट देता, असिस्ट पोटेंशियल हाई है, पेनल्टी टेकर है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आज इसमें को भी अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हो। जोस द बॉस रिसेंट फॉर्म काफ़ी शानदार है और आप इन्हें टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। तीनों प्लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, गोल से भी और असिस्ट से भी दोनों से पॉइंट देंगे, तो इनको ट्राई करना बनता है। ओके, फिर यहाँ से ओपोको है, अगर खेलेगा तो टीम में ट्राई कर लें ग्रैंड लीग में, लेकिन समोर लीग में ज़्यादा सजेस्ट करूंगा नहीं। और फिर यहाँ से रियानी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर डिफेंडर रहेगा ग्रेथ बेल है जो कि रिसेंटली इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा आया है। और फिर यहाँ से जेसस मोरिलो है, बाकी इनका सभी का आप सामने रिकॉर्ड आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टॉप प्लेयर के लिए मैंने राइट का टिक कर दिया और उन्हें आप हम टीम में ट्राई करके चल देना। ओके, तो अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट के मामले में अगर देखा जाए तो कार्लोस विला 7 असिस्ट, जोस 6 असिस्ट, चिको अरांगो 4 असिस्ट और यहाँ से जेसस मोरिलो 3 असिस्ट, बेन रोड्रिगो 3 असिस्ट। बाकी यहाँ से जो टॉप प्लेयर हैं उनका आपका सामने रिकॉर्ड भी है, तो यहाँ से वो तीन ही प्लेयर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करेंगे अटैक से भी और असिस्ट है भी। ओके, तो यहाँ से इनको पिक करके चल देना। अब बात आती है इस मैच की स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, हमने रखा है 1-2 और 1-2 का प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहनी चाहिए इस मैच जो हमारे शामोली टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो सीधे नज़र डालते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन इस मैच की ड्रीम इलेवन की टीम पर। और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन को ब्लैक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, चलिए देखते हैं इस मैच की टीम क्या रहेगी हमारी। तो सबसे पहले हम बात करें गोलकीपर सेक्शन से, तो आपके सामने एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हस्टन डायनामो इस मैच में एक हल्की टीम है और हल्की टीम का हमें सिर्फ 4 ही प्लेयर पिक करना है। लॉस एंजेलिस एक बेहतरीन टीम है तो इसलिए हम इस टीम के 7 प्लेयर पिक करेंगे, कुल मिलाकर हमें 11 प्लेयर पिक करना है इस मैच में विद कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करेंगे। ओके, तो बात करें गोलकीपर सेक्शन से, तो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी हस्टन डायनामो के गोलकीपर को आँख बंद करके आप पिक करके जा सकते हो, क्योंकि दूसरी टीम का इतना बेहतर अटैक है नहीं कि उसके गोलकीपर को टेस्ट कर ले, तो इसलिए बाकी को आप ड्रॉप ही करना। अगर पॉइंट देख के जाना तो वो बात अलग है आपकी, लेकिन अगर प्रेडिक्शन को नुस जानना तो यहाँ से क्लार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बात करें डिफेंडर सेक्शन से, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी वो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं रहने वाली, ये तीन प्लेयर बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन आप एडम को पिक कर सकते हो क्योंकि इसने असिस्ट निकाला हुआ, 5 असिस्ट हैं तो शायद इसका असिस्ट आ सकता है, डिफेंसिव पॉइंट भी दे सकता है। ओके, तो उस कंडीशन में आप एडम को ट्राई कर सकते हो। रियान मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फिर यहाँ से डियागो पलासियस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फिर यहाँ से इसको बार एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो यहाँ से ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं लॉस एंजेलिस की तरफ से जो बिना गोल के डिफेंस पॉइंट भी अच्छा खासा दे जाते हैं और असिस्ट पोटेंशियल हाई है। बाकी जितने और प्लेयर्स हैं, अगर मोरिलो खेलता है तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, बाकी का कोई मैं खास परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला भी नहीं और ज्यादा मैं इनके बारे में बताऊंगा नहीं क्योंकि इनका इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता नहीं है। ओके, तो यहां से जो टॉप प्लेयर है वो आपको मैंने बता दिया, मोरिलो को आप ध्यान रखना। ओके,
बात करें मिडफील्ड सेक्शन से, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी वो यहाँ से काफ़ी नीचे है, वो जोस द बॉस, जिसका सिलेक्शन 41% है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टन, आज के मैच में बना सकते हैं, गोल और असिस्ट दोनों में किसका कंट्रीब्यूट रहा है। फिर यहाँ से ग्रेथ बाल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसके अगर ये आज के मैच में एज स्टार्टिंग लाइनअप में खेलने देखने को मिले तो ट्राई करके जा सकते हो। ओके, तो अभी के लिए जोस द बॉस को पिक करते हैं। फिर यहाँ से आपके सामने फाफा फिकोल्ट, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, हस्टन डायनामो की तरफ से गोल असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट रहा है, तो इनको भी पिक करना बनता है। फिर यहाँ से जितने और प्लेयर्स मुझे लगता नहीं कि खेलेंगे, अगर ये खेलेंगे भी तो इतना ज़्यादा इनका बेहतरीन पॉइंट देखने को मिलेंगे नहीं, तो इनको सभी को ड्रॉप करेंगे। लेकिन लतीफ़ ब्लेसिंग डिफेंसिव पॉइंट दे जाता है, लेकिन गोल असिस्ट का चांस बहुत कम है, तो इसलिए हम इनको ड्रॉप करके गए हैं। ओके, बाकी इनका खेलने का चांस मुझे बहुत कम ही लग रहा है, तो इनको ड्रॉप ही करेंगे। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन आपके सामने हरेरा, एक काफ़ी अच्छा प्लेयर है और असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई रखता है ये, और पासिस का अच्छा खासा पॉइंट दे जाता है, तो इनको ट्राई करना। देखो हरेरा और यहाँ से ग्रेथ बाल, इन दो में से कोई एक खेलेगा, जो भी खेलेगा उनको टीम में ट्राई करेंगे चलेंगे। अभी के लिए हम हरेरा को पिक करते हैं। ओके, बाकी खेलने का चांस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं। अब बात करते हैं सेंटर फॉरवर्ड्स, तो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी कार्लोस वीला, चिको अरांगो, तो इन दो प्लेयर्स को किसी भी कंडीशन में ड्रॉप नहीं करेंगे। ओप्पो को अगर खेलेगा तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना, और कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। ओके, फिर यहाँ से सबास्तियन फरेरा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो इनको भी टीम में ट्राई करना बनता है। तो आपके सामने टॉप तीन प्लेयर हैं, तो इन टॉप तीनों को जरूर पिक करके चलें। फिर यहाँ से कुंतेरा को हम ड्रॉप कर चुके हैं, क्योंकि हमारे सामने अदर ऑप्शन रहते ही नहीं है कि यार इसको पिक कर लें, क्योंकि टॉप ऑफ द बेस्ट प्लेयर हमें दोनों टीम की तरफ से चाहिए, तो इसको हम ड्रॉप कर गए हैं। ओके, तो अभी के लिए इन सभी को हम ड्रॉप किए हैं। बाकी जितने और अगर यहाँ प्लेयर हैं ना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आई थिंक यहाँ से मुझे कुंतेरा एक अच्छा लगा है, और बाकी का इनका खास परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा नहीं। ओके, तो ड्रॉप करना। बात करें कैप्टनसी प्लस वाइस कैप्टनसी, तो आपके सामने दो ऑप्शन है कैप्टन के लिए, तो यहाँ से एक चिको अरांगो है, कार्लोस वीला है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जोस, तो इन तीन में से किसी को भी आप अपनी टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये तीनों पोटेंशियल रखते हैं गोल करने की, और सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल रखता है वो चिको अरांगो है, फिर उसके बाद में कार्लोस वीला है, फिर उसके बाद में जोस द बॉस है, तो इनको अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। मेरा कैप्टन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आज के मैच में चिको अरांगो को टीम का कैप्टन बनाना चाहिए, वाइस कैप्टन कार्लोस वीला को बनाना चाहिए। तो मेरी टीम का प्रीव्यू इस प्रकार है, याद रहे ये वीडियो का आधार पर टीम है, लेकिन फाइनल टीम लाइनअप के बाद पोजीशन को देखते हो कि कौन सा प्लेयर बिना गोल के भी डिफेंसिव पॉइंट दे जाएगा और 90 मिनट भी खेल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन टॉप के कॉमेंट में है, वहाँ से आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, वीडियो अगर आपको हल्की सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, और ऑप्शन है जो आपके सामने कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ से आपको जोश जिनको आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने सबास्तियन फरेरा, जो कि डिफेंसिव पॉइंट देगा नहीं, लेकिन अटैक से गोल कर सकता, पेनल्टी में भी गोल कर देता। फिर यहाँ से हरेरा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है, मैं काफ़ी फैन हूँ उसका, क्योंकि ये ऐसा प्लेयर अगर गोल नहीं भी करेगा ना तो भी ये कम से कम 20 प्लस पॉइंट आपके लिए दे जाएगा, तो इनको पिक करना बनता है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो हल्की से भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो फिर से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।